हेलो दोस्तों, एक आरसी प्लेन बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस इलेक्ट्रॉनिक सामान और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस खिलौने से आपने बचपन में खेला होगा। ये प्रोपेलर है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसे घुमाते ही ये आगे की तरफ जाता है। उसी तरह एक रियल आरसी प्लेन में आपको प्रोपेलर की ज़रूरत होती है। अब इस प्रोपेलर को कैसे घुमाएंगे? इसे घुमाने के लिए आपको एक मोटर की ज़रूरत होगी। ये ब्रशलेस डीसी मोटर है। ये ब्रशलेस इसलिए क्योंकि इसमें से तीन वायरें निकलती हैं। ये बहुत ही हाई एफिशिएंसी और पावरफुल मोटर होती है। इस मोटर का स्टेटर जो है वो स्टेडी होता है और आउटर केसिंग घूमती है, मतलब यहाँ पर मैग्नेट्स हैं जो घूमते हैं, शाफ्ट के साथ घूमते हैं। तो स्टेटर स्टेडी होने के कारण हमें इसे कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, उसे ESC कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन वायरें हैं और मोटर से भी तीन वायरें आ रही हैं। इन तीन वायर से जोड़ा जाता है और ये जो डिवाइस है ESC इस मोटर को कंट्रोल करता है। मोटर का स्पीड इस और डायरेक्शन ESC से कंट्रोल होता है। मोटर और अन्य सभी पार्ट्स को पावर देने के लिए आपको एक बैटरी की ज़रूरत होती है, जिसे लिथियम पॉलीमर बैटरी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिपो बैटरी भी कहते हैं। ये 2200 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है और 3S है। 3S मीन्स ये 3 सेल बैटरी है। इस बैटरी से दो वायरें निकलती है। ये दो वायरें जो है ESC की दो वायरों से आप कनेक्ट करते हैं। इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि इसकी पोलैरिटी सेम हो। पॉजिटिव वायर आपको पॉजिटिव कनेक्ट करनी है और नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट करनी है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए आपको एक कनेक्टर की ज़रूरत होती है। ये जो है ये XT60 कनेक्टर है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक रिसीवर की और एक ट्रांसमीटर की। ये फ्लाईस्काई I6 ट्रांसमीटर है। ये 6 चैनल ट्रांसमीटर है और ये फ्लाईस्काई IA6B रिसीवर है। ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ स्टिक घुमाता हूँ, इसका सिग्नल इसे मिलता है और ये रिसीवर जो है ESC थ्रू मोटर को कंट्रोल करता है और सर्वोस जो है सर्वो बैटरी जो एरोप्लेन के एलिरॉन्स और रडर को कंट्रोल करती है, एलिवेटर को कंट्रोल करती है, उसे ये सिग्नल देता है। चलिए मैं आपको अभी इसके कनेक्शन समझाता हूँ। मोटर को आप ESC में इस तरह से जोड़ेंगे। तीन वायरें जो हैं इस तरह से, इसे बुलेट कनेक्टर कहते हैं। उसके बाद ESC थ्रू एक वायर निकलती है, इसे BEC कहते हैं। पहले के ज़माने में नाइट्रो फ्यूल या ग्लो इंजन पे, मतलब लिक्विड फ्यूल पे RC प्लेन उड़ाते थे और तब उन्हें प्लेन उड़ाने में उड़ाते समय जो कंट्रोल सरफेस है एलिरॉन रडर और एलिवेटर कंट्रोल करने के लिए उन्हें अलग से बैटरी की ज़रूरत होती थी। अब उस बैटरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पूरा प्लेन ही इस बैटरी पे ही उड़ाते हैं। तो बैटरी एलिमिनेट हो गई है, इसलिए इसे बैटरी एलिमिनेटिंग सर्किट कहते हैं। ये जो है वायर ये आपको थ्रॉटल को मोटर को सिग्नल देती है और रिसीवर थ्रू सर्वोस को भी पावर देती है और कंट्रोल करती है। इसमें से ब्लैक वाली जो वायर है वो नेगेटिव है, रेड वाली पॉजिटिव और ये वाइट वाली जो है वो सिग्नल है। इसे आपको ठीक से लगाना है। आपके रिसीवर में जिस तरह से दिया है मैनुअल बुक में उसी तरह से लगाना है। अगर ये उल्टा हो गया तो कुछ नुकसान नहीं होता है, जस्ट ये काम नहीं करेगा। अब जब मैं यहाँ पर थ्रॉटल स्टिक, ये जो है ये थ्रॉटल स्टिक है, इसे आगे पीछे करता हूँ तो यहाँ पर सिग्नल जाता है। ये सिग्नल ESC को मिलता है और ESC थ्रू ये मोटर कंट्रोल होती है। इसके बाद ये सर्वो जो है सर्वो में चैनल 1 में लगाता हूँ।
इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप पहले ट्रांसमीटर ऑन करेंगे और उसके बाद ही आप बैटरी इसमें जोड़ेंगे, ये कनेक्शन करेंगे, और बंद करते समय पहले आप ये कनेक्शन काट देंगे, उसके बाद आप ट्रांसमीटर ऑफ करेंगे, ये सेफ्टी के लिए होता है। अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, ट्रांसमीटर चालू हो चुका है और ये मैं कनेक्शन करता हूँ बैटरी का। देखिए तीन आपने इसमें बीप सुनी है, मतलब इसकी आर्मिंग हो चुकी है, ये आर्म हो चुकी है, और तीन सिग्नल मतलब ये 3S बैटरी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर थ्रॉटल स्टिक घुमाता हूँ तो ये मोटर घूमने लगती है, ये देखिए। आप देख सकते हैं जिस प्रोपोर्शन में मैं इसको आगे लेके जाता हूँ उसी प्रोपोर्शन में इसका स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए सिंपली आपको दो इसकी दो जो वायर है वो निकाल दीजिए, कोई भी दो, और उसको उल्टा लगा दीजिए। अब ये उल्टी घूमने लगेगी, ये देखिए। इसके बाद सर्वो है, ये देखिए, मैं यहाँ पर कंट्रोल स्टिक घुमाता हूँ और ये सर्वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है, जिस प्रोपोर्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ उसी प्रोपोर्शन में ये आर्म जो है, ये कंट्रोल आर्म जो है, ये आगे पीछे जा रही है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसको आप निकाल के आपको जिस एंगल में चाहिए उस एंगल में आप लगा सकते हैं, और इसमें ट्रिम सेटिंग होती है, ये देखिए। मैं यहाँ पर ट्रिम का बटन दबाता हूँ, आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मूव हो रही है, ये फाइन ट्यूनिंग के लिए आप करते हैं। जब आप प्लेन पहली बार उड़ाएंगे तब आपको ट्रिम करना पड़ेगा उसको, तब आप इस ट्रिम का यूज़ करेंगे। आजकल जो ट्रांसमीटर आए ये बहुत ही एडवांस ट्रांसमीटर है, इसमें एलसीडी स्क्रीन है। इसका एक फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये स्टिक में, ये स्टिक में लेफ्ट में लेके जाता हूँ, और ये कंट्रोल आर्म जो है वो राइट में जा रही है, और ये स्टिक में राइट में लेके जाऊंगा तो कंट्रोल आर्म लेफ्ट में जा रही है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सेटिंग में जाना होगा, इसमें रिवर्स का फंक्शन है, आप देख सकते हैं। अब देखिए जब मैं स्टिक लेफ्ट में घुमाता हूँ तो सर्वो मोटर भी लेफ्ट में जा रही है। इन शॉर्ट आप लिथियम पॉलीमर बैटरी जो है वो ईएससी में कनेक्ट करते हैं, ईएससी से एक वायर निकलती है जो रिसीवर में लगती है, रिसीवर में डिफरेंट चैनल्स हैं, उन चैनल्स में से आप सर्वो मोटर ज्वाइन करते हैं जिसमें कंट्रोल आर्म लगी है, वो रडर और एलिवेटर को कंट्रोल करती है। ईएससी से तीन वायरें निकलती है जो हमारी मेन मोटर को कंट्रोल करती है। तो एक आरसी प्लेन बनाने के लिए आपको एक प्रोपेलर, मोटर, बैटरी, कुछ सर्वोस, ईएससी, ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। इसके हर एक पार्ट के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन